बाबा भी उस समय हमको एक शब्द पक्का कराया कि बच्चे तुम बाबा के तो बने हो, परंतु डेली ये एक शब्द याद रखना कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बस वो हमारे जीवन में एक शब्द ने दिमाग के अंदर ये जैसे कंप्यूटर में हाथ से जैसा शब्द लिखते हैं वैसा हमको वहाँ से दिखाई देता है। आज मैं वो अगर अपनी बचपन की जीवन याद करती हूँ तो सचमुच जो बाबा शब्द दिया करते थे वो हमारा वर्क चलता रहता था। तो ऐसे नहीं है कि हम 12 घंटा बहुत फ्री रहते थे इसलिए वो स्मरण चलता था, नहीं, बाबा ने हमको कंबाइंड योग और कर्म दोनों सिखाए। लेकिन वो शब्द मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, ये कभी भी हमारे से बुद्धि से भूलता ही नहीं था। आप सोचिए जब बाबा हम बच्चों को एक शब्द के ऊपर इतना अटेंशन खींचवाया तो उसका हमारा जो जीवन में पक्का निश्चय हो गया कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो निश्चय तो हो गया परंतु शक्ति स्वरूप का पेपर जरूर आता भी। अगर मैं पहलवान हूँ, बोलती हूँ मैं पहलवान हूँ, तो शब्द से मैं पहलवान तो नहीं बन गई ना। पहलवान का पेपर आता है मैदान पर, जो किसके ऊपर विजय प्राप्त करे तो वो पहलवान माना जाएगा। ऐसे बाबा ने भी जब ये शब्द पक्का कराया कि तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो, तो रियल हम उस स्मृति से अपने आप को भी एक शक्ति अनुभव करते थे। अब वो शक्ति अपनी कहाँ तो बाबा यूज़ कराएंगे ना,